हेलो, क्या तुमने कभी सोचा कि इंडिया के टॉप माइनक्राफ्ट प्लेयर्स जैसे कि टेक्नो गेमर्स, यस स्मार्टी पाई, अंशु बेस, बीस्ट बॉय शुभ और मित्तू पिट्टू जैसे गेमर्स, यानी कि मिथ पैट, मतलब मैं उसको मित्तू पिट्टू बुलाता हूँ, तो इन सारे गेमर्स से अपना माइनक्राफ्ट वर्ल्ड इतना बढ़िया कैसे बनाया है, कैसे वो इतने ज्यादा प्रो बन गए? पर मेरे इस बड़े दिमाग में एक और क्वेश्चन आया कि अभी तो इनके पास इतने बड़े बड़े कैसल्स हैं, इतने बड़े किंगडम्स और SMPs हैं, लेकिन इनका फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस कैसा होगा? कभी ना कभी तो ये लोग हमारी तरह नूब भी रहे होंगे ना। कुछ लोग तो मतलब अभी भी नूब है। उसको कोई बताना मत कि मैंने उसके बारे में ऐसा कुछ बोला है। अगर उसको पता चला तो गाइस वो पता नहीं मेरे साथ क्या ही करेगा। आई थिंक पीटेगा मेरे को। देखो नहीं कितना लंबूड़ा सा है यार वो, बहुत ज्यादा सच में। मतलब मेरी हाइट भी गाइस सही है, लेकिन उसकी हाइट 6 feet और शायद 4 या 5 inches है। रुको मैं दिखाता हूँ आपको, रुको। लाइक अगर मैं गाइस कैसे दिखाऊं, अगर मैं इतना लंबा हूं तो गाइस वो एटलीस्ट इतना लंबा तो होगा, लाइक यहां तक। ओह हेलो मैन, अब सोचो कोई यहां से मेरे को पंच मारेगा तो मैं डिफेंड भी नहीं कर पाऊंगा। तो गाइस प्लीज कोई इसको बताना मत, ठीक है? ओके तो गाइस हम लोग सबके फर्स्ट वाले माइनक्राफ्ट हाउस तो देखेंगे, बट उसके साथ में गाइस हम उन सारे के सारे हाउसेस को रेट भी करेंगे। इस टियर लिस्ट पे हम लोग इनको रेट करने वाले। अगर सबसे बढ़िया मतलब एकदम गोट वाला, एकदम बेहतरीन वाला हुआ तो हम लोग उसको डालेंगे क्या बात पे, मतलब इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और जो उससे कम अच्छा होगा उसको हम लोग डालेंगे बढ़िया तो है का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। और फिर अगर उससे भी कम अच्छा हुआ तो उसको हम डालेंगे ठीक ठाक, मतलब एवरेज टाइप का हो गया। और जो एकदम ही लाइक घटिया सा होगा उसको हम लोग डालेंगे कर रहे हैं तू इस वाले टियर लिस्ट में। और अगर कोई एकदम कतई घटिया हुआ, एकदम बिल्कुल बेकार, तो उसको हम लोग डालेंगे इस पे। ये तो समझ ही आ गया होगा ना। एंड अभी रुको, मेरे पास आप लोग के लिए एक चीज और है, मेरे पास आप लोग के लिए एक और सरप्राइज है। सब्सक्राइब करो पहले, कर दिया, गुड। अब सरप्राइज रिवील करता हूं। इन सारे फेमस माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स का फर्स्ट घर देखने के बाद मैं आपको अपना पहला वाला माइनक्राफ्ट हाउस दिखाऊंगा। मैंने गाइस लिटरली जब फर्स्ट टाइम माइनक्राफ्ट खेला था तो उसकी रात को गाइस मेरे साथ जो डरावनी चीजें हुई थी, आज भी सोच के गाइस मैं घबरा जाता हूँ सच में यार। तो वो वाला माइनक्राफ्ट हाउस मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो गाइस माइनक्राफ्ट में मेरे पास वैसे कैसल भी है, काफी रिच हो गया मैं, यू नो काफी पैसा वैसा आ गया गाइस मेरे पास। पर गाइस अपने माइनक्राफ्ट की पहली रात की कहानी और मेरा पहला घर मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, लेकिन वो स्टोरी सबके घर देखने के बाद में। तो गाइस ये है वो सारे के सारे बंदे जिनका आज हम लोग फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस देखने वाले हैं। और ये गाइस यस स्मार्टी पाई, अगर किसी को इसकी आंखों की वजह से समझ ना आ रहा हूं, वैसे गाइस इसकी आंखों के साथ मैंने कुछ नहीं करा, इसने खुद से कर रखा था। मैंने बस यहाँ पे इन सबको मूछें दे दिया। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि मूछें क्यों लगाई है, मेरा मन मजा आ रहा था मेरे को इसलिए लगाती, ठीक है? तो भाई सबसे पहले किसकी वीडियो देखी जाए, आई थिंक चलो काम करते हैं, बीस्ट बॉय शुभ की देखते हैं, क्योंकि गाइस ये बंदा सबसे पहले से आई थिंक इंडियन कम्युनिटी में माइनक्राफ्ट खेल रहा है, तो गाइस इसकी वीडियो सबसे पहले देखना बनता है। चलो भाई, मेरी ऑडियंस में सभी को लगा था कि माइनक्राफ्ट गेम मेरे लिए नहीं बनी। यार ऐसे इंट्रो क्यों दे रहा है कि जैसे कुछ बहुत ज्यादा स्केरी होने वाला है। माइनक्राफ्ट इतना प्यारा सा गेम है, पता नहीं डरा क्यों रहा है ये मुझे। लेकिन तुम्हारे बीस्ट बॉय ने अपना किला खड़ा कर लिया बॉयज। ओके तो गाइस ये घर तो देखने में अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस में आपको बाद में दिखाऊंगा, बट गाइस इससे काफी ज्यादा घटिया था वो, ये तो सच में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। ये रहा मेरा किला और जिन्हें मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। क्यों क्रीपर्स? अरे क्यों यार, क्रीपर गाइस मेरा सबसे फेवरेट मॉब है, मतलब इतना ज्यादा फेवरेट कि मैंने अपने वर्ल्ड में गाइस क्रीपर का एक पूरा का पूरा स्टैचू बना के रखा हुआ है। और उसके लेग्स के अंदर उसके नीचे गाइस मैंने एक टर्न बनाई है और एक सीक्रेट बेस बनाया है, मैं आपको आज ही बाद में दिखाऊंगा जब मैं आपको अपना फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस दिखाऊंगा। तभी के तभी शुभम अभी नूब है, ये देखो डॉट से बनाया है इसने अपना किला। ना 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 ऐसा नहीं है। अच्छा मेरा ये घर इतना कमजोर है तो तुम लोग गलत सोचते हो बॉयज। अच्छा बाहर से इसने डर्ट लगाई शायद प्रोटेक्शन के लिए किया होगा, और अंदर से यहाँ पे इसने कोबल स्टोन लगाया। मैंने अपना पूरा घर बनाया है कोबल स्टोन से। जी हाँ ओके, ये डर्ट तो सिर्फ क्रीपर्स को पागल बनाने के लिए है कि अगर वो बाय चांस यहाँ पे आके फट भी जाते हैं। अच्छा तो मतलब अंदर की तरफ डैमेज नहीं जाएगा, नाइस, दिमाग तो है बंदे के पास। मैंने ग्लासेस नहीं लगाए, नो यार रात में तो ये काफी मस्त लग रहा है। वैसे कहीं अगर ये चारों तरफ ज्यादा टॉर्चेस लगाता तो इसको काफी फायदा होता, लेकिन अब ये भाग रहा है, ऊपर से खुला है ना ये, तो स्पाइडर्स तो अंदर आ जाएंगे। ओ भाई तेरी ऐसी की टेस्ट। गाइस जिसको नहीं पता है माइनक्राफ्ट में स्पाइडर्स लिटरली चढ़ के आ जाती है, मेरे साथ भी काफी कुछ हुआ था, अभी आपको पता चलेगा। दूसरों के घरों में ऐसी बिना इनविटेशन लॉस छत लगा ले ब्रो, छत लगा ले। तबाही मच गई एक्चुअल में।
तो मेरा पूरा घर हो चुका है अब कवर्ड। ऑलराइट गाइस, तो इसने अपना ये वाला जो घर है इसकी छत भी बना डाली है। बट गाइस सच बोलूं तो इसका ये वाला घर मेरे फर्स्ट वाले घर से तो बहुत ज्यादा अच्छा था। लाइक लिटरली जब आप माइनक्राफ्ट खेलना शुरू करते हो तो आपको काफी सारी चीजें पता नहीं होती और ये स्टोन्स कलेक्ट करने में गाइस बहुत ज्यादा टाइम जाता है। अगर आपने माइनक्राफ्ट खेला नहीं है तो शायद आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये स्टोन्स कलेक्ट करना कितना ही मुश्किल होगा। बट गाइस एक बार खेल के देखो, इतनी ज्यादा पिकैक्स टूटते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे इसने विंडोज भी बनाई है, बाहर फार्म भी बनाया था, पीछे बेड भी पड़ा हुआ था। तो गाइस आई थिंक ये वाला घर काफी मस्त है और अगर मैं बोलूं तो मैं इसको रखूंगा बढ़िया तो है, मतलब थोड़ा सा बेटर हो सकता था। आई थिंक टेक्नो का बेटर होगा जितना मुझे लगता है, तो गाइस इसलिए मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ। आप लोग किस पे रखोगे आप लोग मुझे बता देना। अब नेक्स्ट घर गाइस हम लोग किसका देखे, नेक्स्ट घर हम लोग देखने वाले है अंशु बिस का, देखते हैं। चलो गाइस वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 3। एक मिनट गाइस, इसके पास भी शायद मेरे जैसे हेडफोन्स है, देखो सेम टू सेम लाइट लगी है, मतलब मैं भी जला सकता हूँ लेकिन मैंने भी जलाई नहीं है। ओ हाँ गाइस, ये जो वहाँ पे लोगो बना हुआ है ना, सेम टू सेम इसका देखना। एपिसोड 3 हाँ गाइस सेम है, मेरे जैसा ही है, मतलब थोड़ा डिफरेंट है बट कंपनी सेम है। तो गौ माता थोड़ा सा हमें दूध दो, हमें ब्रेड खानी है क्योंकि यार सूखी ब्रेड इतनी खास इतनी मजेदार नहीं होती, तो ये लिया हमने दूध। ठीक है तो अब हम खाएंगे ब्रेड। ओके नाइस, जब भूख लगेगी तब खाएंगे। अच्छा यहाँ पे इसने ऑलरेडी फार्म बना के रखा हुआ है, यार काफी सुंदर भी बनाया है, यहाँ पे फ्लावर्स लगा रखे हैं ताकि हम उसमें एक बढ़िया सी बालकनी बना पाए जहाँ से हम लोग अपने अपने खेत की तरफ को ध्यान भी दे पाए। ओके तो इसको ये खेत बोल रहा है, नाइस। एक दो तीन, एक दो तीन, लकड़ी से बना रहा है क्या ये? अब चारों तरफ से ऐसे करते हैं कि एक एक यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ओहो यहाँ पर नहीं लगाना ना, यहाँ पर तो हम लोग अपना दरवाजा बनाएंगे। ऑलराइट बढ़िया बढ़िया, तो मतलब इसको ऑलरेडी पता है कि इसको एग्जैक्टली कैसे बनाना है। एक दो तीन चार पाँच छ, पाँच छ और सात। इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं गाइस, पूरी वीडियो ही देखते हैं। ये टावर बना रहे हैं क्या? अब इस प्लैंक पे हम लोग लगाएंगे लैंटर्न, लेकिन अभी हमारे पास सामान नहीं, हमको सामान लेके आना पड़ेगा बहुत सारा। ओ गाइस आई थिंक ये ट्री हाउस बना रहा है, अब मेरे को समझ आया। तो ये अभी हमारा एंट्रेंस हो गया देखो। ठीक है, ये सारा का सारा जो झाड़ फूड है इसको काट देते हैं। ठीक है, अभी किससे तोड़ रहे हैं भाई, शावल से तोड़। ये हो गया, साफ सफाई हो गई। हाँ भैया हो गई। यहाँ पर से भी हम लोग गाइस चारों तरफ से लैंटर लगाएंगे ताकि हमारा जो ट्री हाउस है वो दूर दूर से। ट्री हाउस ही है गाइस, ट्री हाउस ही है। यहाँ पर इसने फर्नेस भी रखी हुई है, चेस भी पड़े हुए, काफी सारे क्राफ्टिंग टेबल है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें इसने रूम बना रखा है जिसमें ये रहेगा, सारा का सारा सामान रखेगा, और जो नीचे का पार्ट है वुड वाला वहां से शायद ये बाहर जाने का रास्ता है। ओके अब मेरे को समझ आया। पास में नहीं यार, अगर ये टूट जाता ना तो मैं दुखी हो जाता, वो तो बेचारा होता ही होता। मेरे को डर लग गया, मैंने कहा ट्री हाउस बनने से पहले ही फट गया। ओके तो यहाँ से अंदर जाना है, ऊपर पूरी घास वास है। नाइस यार, फर्स्ट हाउस के साथ तो सच में बहुत शानदार है। तो गाइस देखो ये रहा ट्री हाउस, यहाँ से दूर, दूर के गांव में पूरे। ओ भाई यार इसने पूरे का पूरा अच्छी तरीके से प्लानिंग करी थी और काफी बढ़िया तरीके से बनाया। तो गाइस मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसने अपना फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस इतना बढ़िया बनाया होगा। तो गाइस विदाउट अ डाउट इसकी मूछें भी काफी बढ़िया है, वैसे मैंने शायद सबसे बड़ी मूछें इसको दी है और टेक्ने को दी है। अच्छा इसकी भी तो काफी बढ़िया गाइस। तो गाइस इसको तो मैं पक्का क्या बात पे रखने वाला हूँ, कोई डाउट नहीं है गाइस। इसका घर अभी तक का सबसे बेस्ट है, वैसे हम लोगों ने दो ही बंदों को देखा है बट गाइस सच में काफी मस्त था। अब गाइस हम लोग थर्ड नंबर पे देखने वाले है घर टोटल गेमिंग का। ठीक है, टोटल गेमिंग भी गाइस काफी मस्त खेलता है, आई थिंक उसका फर्स्ट हाउस भी काफी मस्त होने वाला है। दोस्तों एक और, ओ इसने यहाँ पे लिख रखा है ट्री हाउस इन माय क्रिमिनल सिटी, तो ये भी ट्री हाउस बनाने वाला है। और इस सर्वाइवल सीरीज में मेरा प्लान है बहुत ही तगड़ा सर्वाइवल करने का, मतलब ऐसी इमारतें अपन लोग खड़ी करने वाले हैं जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। ठीक तो है, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। लाइक कर देते हैं क्या, जिसने बोला इसी बात पे लाइक करना, चलो कर दिया। देखो इसने बोला कि लाइक कर दिया तो मैं लाइक कर दिया। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर है उसको जाके ज्वाइन करो, अभी काफी नया नया ऐसा है तो काफी कम से लोग हैं, बट गाइस हम लोग उसको काफी ग्रो करेंगे और वहाँ पे हम लोग साथ में माइनक्राफ्ट भी खेल सकते हैं। तो लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना, उसको सर्वर को ज्वाइन कर लेना और फिर उसके बाद काफी मजे आने वाले हैं। ठीक है जाओ, अभी नहीं पहले वीडियो देख लो फिर जाना। यहाँ पे इसने गाइस बना तो शुरू कर दिया, चढ़ने लगा बता, लेकिन ये मरने वाला। अरे मत आ रहे, ये मरेगा। मैं अपने लिए नहीं मरेगा, बना लिया क्या गुफा? अरे भाई मार देता है तो भाई। एक और आ रहा है, ये पक्का मरने वाला है। ये गया, अगर यहाँ पे फंसा तो गया। गाइस ये बंदा फ्री फायर इतना बेहतरीन खेलता है, सोचो एक ज़ॉम्बी से मर जा रहा है। यार सच में स्टार्टिंग में सबके साथ ही ऐसा होता है, पता नहीं चलता है कि क्या करना होता है, तो सभी मरते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा सोचना मत कि अज्जू भाई ऐसे कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे। तो गाइस आई थिंक ये पाथवे भी बना रहा है, जो कि आई थिंक काफी बढ़िया चीज है, मतलब फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस में ये सब दिमाग लगाना गाइस काफी बड़ी बात होती है। एक दो तीन,
4 और ये 5, मैं सोच रहा हूँ 6 का ही बना देते, सबसे बेस्ट रहेगा। तो गाइस आई थिंक जैसा अंशु ने बनाया था ये उससे डिफरेंट है, मतलब उसने नीचे से ऐसे ट्रंक बनाई थी, ये शायद सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाने वाला है, अभी ऊपर चढ़ जाता है, मेरे को देख के समझ आ रहा है सब जगह पे अपन लोग। हाँ गाइस समझ गया मैं, ये चीज काफी अच्छी लगने लगेगी और जो सामने भी चेस्ट वगैरह पड़ा है ना वो सभी चीजें अपन लोग यहाँ पे आके रख देंगे। ये वाला ब्लॉक यहाँ पे हटाना पड़ेगा, हाँ ये वाला सही है। अभी यहाँ पे देखो इस टाइप से मैं नीचे उतर सकता हूँ और जब मेरे को ऊपर जाना रहेगा। यार ये सही है, इसने गाइस लेडर्स की जगह पे वाइंस लगा दिए तो वो ट्री के साथ पूरी थीम जो होगी उसमें काफी मस्त भी लगेगी और हम लोग ऊपर भी आ सकते हैं, मतलब वो ऊपर भी आ सकता है। तो गाइस इसने ऊपर की तरफ भी यहाँ पे जो लीव्स हैं उनको लगा डाला है। अगर मैं इधर से नीचे गिरा ना तो वाट लगने वाली है, पानी में कूद सकता है ना, पानी में गिर सकता हूँ शायद। या ब्रो ओ पानी में गिरूं, बचा बचा ये बचा। ओ भाई ये किसने मारा, ये रात थोड़ी। अच्छा ए भाई कोई नहीं 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 ना पगले ना, यार सबके साथ होता है ये। पानी के अंदर कैसे मारता है वो बंदा, मतलब अभी दिन का टाइम है, जिसको नहीं पता दिन में भी गाइस मॉब्स स्पॉन हो सकते हैं अगर ऊपर कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह और नीचे शैडो पड़ दी हो तो। इसने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर एक ट्री की ट्रंक बनाई काफी पतली सी और ऊपर इसने पत्ती लगा रखी है और ये नीचे प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों ने देखा था। ये बना तो बढ़िया, आई थिंक जब आगे ये इसको खेलेगा तो इसको और ज्यादा एक्सपेंड करेगा। हम लोग आज इसने जितना बनाया इसके फर्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो में उस पर इसको रेट करने वाले हैं। तो गाइस इसने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी बनाया था और ये घर भी गाइस थोड़ा बड़ा सा है लेकिन इसने काफी दिमाग लगाया क्योंकि सबका पहला घर काफी बेसिक होता है और इसने गाइस आई थिंक काफी बढ़िया बनाया। तो इसको गाइस मैं अंशु जितना तो नहीं बोलूंगा, अगर मैंने इसको बढ़िया तो है मैं डाला था, तो गाइस मैं इसको, यार मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, आई थिंक गाइस मुझे बीस्ट बॉय शिप को यहाँ से लेके यहाँ डालना पड़ेगा। भाई तू मेरे को मारियो मत, वैसे इसने ये गाइस हिटमैन वाला लुक करके रखा हुआ है तो प्लीज मेरे को छोड़ देना। मैं गाइस इसको बढ़िया तो है मैं डाल रहा हूँ और इसको ठीक ठाक कर दिया, ठीक है। तो गाइस अब हम मिट्टू बिट्टू का फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस देखने वाले हैं एंड डेफिनेटली आज इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा था। मैंने भी ऐसे इंट्रो किया था ना, हेलो, कॉपी करता है मेरी, वैसे शायद मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि इसने इतना सालों पहले कर लिया था, मैंने आज किया, मैं आज पक्का पिटने वाला हूँ गाइस, कॉपी भी कर रहा हूँ मैं इसकी। तो पिछले वाले माइनक्राफ्ट के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने स्टीव का अंतिम संस्कार कर दिया था, आज ही मेरा करेगा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। नो no! लेकिन फिर मैंने देखा कि हम लोगों ने कंप्लीट किया है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। गाइस इसके 1 मिलियन हो गए हैं, मेरे अभी 1.5 लाख भी नहीं हुआ है, जाके सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो, मतलब अगर ये मेरे को मारना है तो मतलब हम लोग कम है इसके, अभी तो गाइस 15 मिलियन है, मेरे अभी लिटरली लाइक इसे 10 टाइम्स कम है कि 100 टाइम्स कम है, 100 टाइम्स कम है। गाइस सब्सक्राइब करो, ये मेरे को मारना है कि आप लोग मेरी तरफ से लड़ोगे, इसके 15 मिलियन और मेरे भी जितने भी होंगे सब मिलकर लड़ेंगे आपस में। अभी फाइनल इसका घर देखते हैं, यही मेरा साथी है, आजा। अभी ये तो विलेज है, ओ हाँ, नेदर पोर्टल को भी तोड़ना पड़ेगा उसमें और 5। अच्छा इसने पहले नेदर पोर्टल बना लिया अब बनाने वाला है, यार मैंने नेदर पोर्टल पता नहीं कितने टाइम बाद बनाया था, मुझे लग रहा है कि ये मैं डर गया यार, ये कौन पोकेमॉन पिलेजर्स। गाइस इनसे पंगा मत लेना, अगर आप माइनक्राफ्ट फर्स्ट टाइम खेल रहे हो ये जहां भी देखे भाग लो, सच बता रहा हूँ, ये जहां भी देखे भाग लो, क्रीपर स्केल्टन वो कुछ नहीं है, इससे पंगा मत लेना क्योंकि ये इतना मारते हैं, पूरी की पूरी फौज आती है पीछा करते करते, बहुत मारते हैं। मैं सफर शुरू कर सकी, अरे करो भाई बहुत टाइम हो गया, सफर शुरू करो। कितना टाइम पास करता है यार ये, मैं कुछ नहीं बोल रहा। फिलहाल मैं यहीं पे घर बनाता हूँ। ओके फाइनली बॉब द बिल्डर, हाँ भाई हाँ, स्कूप और डेजी पता नहीं किसके साथ, बॉब द बिल्डर। अभी एक दरवाजा लगेगा और वास्तु के हिसाब से दरवाजा उत्तर दिशा में होना चाहिए। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अपनी माइंड का वीडियो में ये बात क्या बोला इसने, वास्तु के हिसाब से दरवाजा, वास्तु के हिसाब से इस तरफ लगता है, जिस तरफ भी बोल रहा है उत्तर दिशा में होना चाहिए, उत्तर दिशा नॉर्थ। अभी गाइस मेरे को ऐसा सच में लग रहा है कि मैंने अपनी वीडियो में भी यही बोला है, भाई तू मेरे को मारना मत, मैंने कॉपी नहीं करी है, मैंने हेलो सेम तरीके से नहीं बोला था, मेरे को डर लग रहा है जब मैं अपनी वीडियो देखूंगा तब मेरे को पता चलेगा कि मैंने बोला है कि नहीं बोला है। एक्चुअली इस घर को हम लोग थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, पहले ऊपर कर से सकता बंद है, करता पता है। ओके, तो ये हो गया तैयार और मैंने ऊपर बालकनी भी बनाई है, ये बालकनी है, दुश्मन अटैक कर रहा हो तो हम लोग वहाँ से देख सकेंगे। अभी थोड़ा घर, वैसे गाइस मुझे हंसना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जो पहला घर था वो नहीं था, वो नहीं था अच्छा था, क्राफ्टिंग टेबल और यहाँ पे एक चेस्ट, मुझे भी लगेगी बालकनी में जाने के लिए। ओके हमारा घर तैयार हो चुका है, मेरे खुद के कमाई का घर, अभी के लिए ये छोटा है लेकिन ये बड़ा होता रहेगा। अरे मस्त है भाई, बालकनी है इधर से हम लोग इसको देख सकते हैं। गाइस इसका ये वाला जो घर है आई थिंक ये बढ़िया है, आई थिंक ये बढ़िया, इसको हम लोग सच में अच्छा रेट कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं बोला कि मैं इसे डर रहा हूँ, मेरे को इससे पिटाई विटाई का खतरा है इसलिए मैं इसको अच्छा रेट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो कोई बोलेगा नहीं ठीक है।
तो गाइस मित्तू पिट्टू को मैं रखूंगा ठीक ठाक में रखना चाहिए, मतलब काफी इन लोग का घर काफी मस्त था तो इनको ठीक ठाक में रख सकते हैं हम लोग। अब गाइस हम लोग जिसका नेक्स्ट घर देखने वाले हैं उसका नाम है रॉनी। रॉनी गाइस किसी गुंडे का नाम ही लग रहा है, जैसे 90s और 2000 में जो मूवीज होती थी उनमें जो कॉलेज में जाता था हीरो और हीरोइन तो वहां पे गुंडा होता था जिसका नाम रॉनी होता था, वहां पर लोग चिल्लाते थे रॉनी रॉनी और रॉनी सबको मारता था, फिर हीरो आता था हीरो रॉनी को मारता था। तो गाइस उस टाइप का नाम है, काफी बकवास हो चुके हैं, इसकी वीडियो देखते हैं। मच्छी से मारेगा मैं तेरे को, तू बंगाली बोल के मछली लाया था। अच्छा आई थिंक ये लाइफ पे खेल रहा था तब यहाँ पे ये सब लिख के आ रहा है एंड ये काफी सारे लोग के साथ खेल रहा है। तो गाइस इसको किस बेस पे जज करूंगा मैं, मतलब वहाँ पे सब लोग अकेले काम कर रहे थे, इसके साथ तो दो तीन बंदे भी दिख रहे मेरे को। अरे उसको क्यों मारा, अरे क्यों मार रहे मुर्गी को भाई, ना मैं भी वही बोल रहा था। कार्टेल हाउस, यू हैव टू क्रिएट आवर कार्टेल हाउस माय बॉयज। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेल हाउस ये क्या होता है, बहुत बड़ा भाई, वी हैव टू क्रिएट एन हसियांदा फॉर आवरसेल्फ। ओके कार्टेल हाउस हसियांदा, व्हाट आर दीस वर्ड्स गाइस, मैंने कभी नहीं सुना। एंड फाइनली इन लोगों ने अपना घर बनाना शुरू किया, अभी तक ये जिंदा कैसे, अभी गया अभी गया घर को हसियांदा क्यों बोल रहे हैं भाई, अपने घर को कुछ भी नेम मत कर, ये नाम दे इसको, क्या कर रहा है यार ये, क्या रॉनी इतना मस्त खेलता है माइनक्राफ्ट, इसने घर कैसा बनाया था। ओह माय गॉड, सो क्रिएटिव माय फ्रेंड, वेरी क्रिएटिव हसियांदा, देयर इज नथिंग क्रिएटिव अबाउट इट, वेरी बैड हसियांदा। तो गाइस यहां पे जैसे बेड डाल के रखा हुआ है, क्राफ्टिंग टेबल भी है, तीन बंदों ने मिलकर बनाया तब ऐसा बनाया है। गाइस मैं इसको अच्छा रेट नहीं कर सकता, सॉरी, मतलब हम लोगों ने इतने मस्त मस्त लोगों के माइनक्राफ्ट वर्ल्ड देखे हुए, सॉरी माइनक्राफ्ट के फर्स्ट हाउसेस देखे हुए हैं, इस तरह तो मतलब तीन लोग ने मिलकर बनाया। तो गाइस ये चीज भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, आई एम सॉरी गाइस, मुझे इसको में डालना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे को कोई और रेटिंग समझ नहीं आ रही है। आप लोग इसको किस पे रखोगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दियो। इसके घर का नाम हसियांदा वाशियांदा कुछ नहीं है, इसके घर का नाम ये, ठीक है। अब गाइस हम लोग फाइनली देखने वाले हैं यस स्मार्टी पाई का घर। यस स्मार्टी पाई काफी मस्त माइनक्राफ्ट खेलता है, आप लोगों का मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, यार कितना बच्चा सा लग रहा है ये, कितना क्यूट सा लग रहा है, अभी तो उसकी दाढ़ी वाड़ी भी आ गई है। इस गेम को सभी लोग खेल रहे हैं आजकल, सभी लोग, और आप लोग भी चाहते हो कि मैं, हाँ तू चीटिंग कर ले, सब खेल रहे तू भी खेल ले, सॉरी। वैसे गाइस गेमिंग कम्युनिटी में ये होता है, एक गेम कोई खेलता है पॉपुलर होता है तो सारे लोग वही गेम खेलने लग जाते हैं, इट्स अ नाइस थिंग गाइस। यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा मेरा घर। ओके ओके, तो गाइस ये घर टॉप पे बना रहा है माउंटेन के, लेकिन माउंटेन के टॉप पे घर बनाने का पंगा ये होता है कि आपको अगर कहीं जाना हो तो आपको चढ़ के आना पड़ेगा, फिर दोबारा से जाना पड़ेगा, बट ओके आई थिंक अच्छा लगेगा टॉप पे, एक छोटी सी गुफा, अच्छा ऑलराइट। तो गाइस ये घर नहीं बना रहा है, केव बना रहा है, केव हाउस होगा, ये थोड़ा अलग है, अभी तक सबने ट्री हाउस बनाए बट आई थिंक ये कुछ क्रिएटिव करने वाला है। ओके तो नेक्स्ट डे हो चुका है एंड ये शायद उस केव को एक्सपेंड कर रहा है अभी, यार ये तो काफी बेसिक सा लग रहा है मेरे को वैसे। चलो यहाँ पे और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ठीक है, टॉर्च भी लगा दी भाई, दरवाजा लगा ले वो आ जाएगा कोई ना कोई, दरवाजा बनाना गाइस काफी आसान होता है लेकिन स्टार्टिंग में समझ नहीं आता है। और यहाँ पे एक और नाइस, सही लग रहा है सर, बोलो तो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब इसने सिर्फ खोद डाला है लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है। Is my home for the night, yeah. काफी बेसिक था, इसने कुछ ज्यादा चीजें नहीं लगाई हुई हैं, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है। तो गाइज अगर मैं इसको ठीक ठाक पे डालूंगा तो इनके साथ बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि गाइज इन लोगों ने काफी मेहनत करी थी, ऊपर इसने मिट्टू पिट्टू है तो गाइज बालकनी बनाई थी, उसने ऐसा कुछ नहीं करा है लेकिन थोड़ा सा मेरे को अच्छा लग रहा है। तो क्या करूँ गाइज, मैं इसको क्या कर रहे हैं यार, मैं डालना चाहता हूँ लेकिन मेरे को लग रहा है गाइज थोड़ा अच्छा, तो सच बताऊँ मैं थोड़ी सी चीटिंग करने वाला हूँ, मैं इसको ठीक ठाक में डालने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग इसको किसमें रखोगे कमेंट बता देना ऑब्वियसली। अब गाइज फाइनली हम लोग देखने वाले आज का अपना फाइनल घर, मतलब मेरा भी देखेंगे लेकिन यूट्यूबर्स में से फाइनल घर टेक्नो गेमर्स का, एंड आई थिंक गाइस इसका घर अभी तक में सबसे ज्यादा बढ़िया इसका ही होने वाला है। वैसे अंशु इसका भी काफी बढ़िया था, मुझे अपना घर बना लेना चाहिए, मतलब ये काफी, एक मिनट, ये इसका पैर गाइस ब्लैक क्यों है, मैंने अभी तक कोई भी ऐसी शीप नहीं देखी जिसके पैर ब्लैक हो, मतलब वुल जो होती है वो ब्लैक होती है बट ये कुछ अलग है क्या। और यहाँ पर अभी ना थोड़ी बहुत मैं डेकोरेशन भी करूंगा, तो आई थिंक गाइस यहाँ पे सीढ़ी बनाएगा और इसके ऊपर घर बनाने वाला है। तो गाइस अगली रात भी होने वाली है और यहाँ पर आप मेरा घर देख पा रहे हो, मैंने अपना घर जो है ना कंप्लीट कर लिया है, अब बस इसके अंदर ना डोर लगाने हैं। डूड फर्स्ट टाइम के हिसाब से और फर्स्ट डे में गाइस इसने बनाया, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बड़ा किसी ने अभी तक बनाया है। कुछ काम जो है थोड़ा बहुत डर्ट से करा था। नाइस मैन, आप सीढ़ी देखो भाई साहब, मतलब इतनी लंबी सीढ़ी बनाई जैसे महल में होती है ना, थोड़ी सी उस टाइप की, तो हमें घोड़ों की तरह ऊपर चढ़ के जाना पड़ रहा है। कुछ लोग लिटरली केव में रह रहे और इसने पहली नाइट में इतना बेहतरीन बनाया। तो भी घर जो है ना पूरा कंप्लीट तो नहीं है लेकिन फिर भी यार थोड़ा बहुत तो मैंने बनाई दिया अपनी तरफ से। आई एम वेरी श्योर कि जब इसने माइनक्राफ्ट खेलना शुरू किया उसके पहले ये सारी
चीजें प्लान करके बैठा होगा। एंड आई थिंक जो इसका अभी एग्जिस्टिंग कैसल है वो यहीं से ट्रांसफॉर्म होकर बना होगा। ओके तो गाइस इसने काफी बड़े तरीके से प्लानिंग करी थी। अभी हम एक ही डोर का यूज करेंगे। तो गाइस यहाँ पे इसने ऊपर एक पूरी तरीके से रूम बना दिया और वहाँ पे नीचे स्टेयर्स बना दिए। बट गाइस मुझे लगता है कि फर्स्ट डे में इतना सारा काम किसी ने भी करा था, मैं सोच भी नहीं सकता कि फर्स्ट टाइम में कोई इतना अच्छा बना देगा। लिटरली डू इट्स वेरी गुड। तो गाइस इसको ऑब्वियसली मैं रखने वाला हूँ क्या बात पे। एंड आई एम वेरी श्योर गाइस कि आप लोग भी इसको टॉप टियर पे रखोगे। सच में काफी मस्त था। एंड गाइस अब मैं आपको अपना फर्स्ट मैन का वीडियो दिखाने वाला हूँ। मेरे तो लगे पड़े भाग नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लीस और आज से हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। काफी बढ़िया इंट्रो था। नाइस मैं एक टावर बना लेता हूँ, अगर मैं ज्यादा ऊपर चले जाऊंगा तो मुझे नीचे से कोई टच नहीं कर पाएगा। मैं यही करता हूँ गाइस। मुझे याद आ रहा है कि यहीं से मेरा डरावना वाला एक्सपीरियंस शुरू होना स्टार्ट हुआ था। ओए ओए ये एरो मार रहे। नहीं 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 प्लीज ओए। कितना गंदा खेल रहा था मैं यार। मैं इसको आसानी से मार दूंगा आज। नहीं बेटा लेकिन तब क्या यार ये। ओ भाई भाई गाइज इसके पास एरोज है वो इतने ऊपर तक आ रहे हैं। ओके तो फाइनली मैंने अपना घर अब बनाना शुरू करा है। मैं सबको बोल रहा था कि ऐसा बनाया वैसा बनाया, मैं खुद डर्ट से बना रहा हूँ यार। यहाँ पे दरवाजा रखूँ कि यहाँ रखूँ, देखता हूँ यार। मैं यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि यहाँ से सन निकलता है, तो ईस्ट में गाइज दरवाजा होना काफी शुभ माना जाता है। तो मैं वो वाली चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डोर बनाता हूँ। थैंक गॉड मैं बच गया। मित्तू बिट्टू ने गाइज नॉर्थ बोला था, मैंने ईस्ट बोला है, तो अभी वो मेरे को मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। नाइस गाइस हमारा तो हम लोगों ने फर्स्ट नाइट में डोर भी लगा लिया था, ये चीज मुझे याद नहीं थी क्योंकि यहाँ पे हल्की सी पहले से अबे छोड़ दे। मैं एक ज़ॉम्बी को नहीं मार पा रहा हूँ। मैं बाहर भागता हूँ भाई मेरे घर। What the hell, मैं अपना घर छोड़ के ही भाग गया। घर में डाका पड़ गया यार, ये क्या पंगा है। और मेरे पास कुछ भी खाने क्या के लिए था नहीं है। क्या नूब था मैं। कसम से मुझे चुल्लुआ पानी में डूब जाना चाहिए। मैं घर छोड़ के ही भाग गया। वाह ओके तो मैंने टॉर्चेस भी लगा दी थी। नाइस काफी काम कर लिया था यार मैंने। ओके तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे लैडर लगा दिया और अब हमारा ये प्यारा सा घर बढ़िया तो लग रहा है। और मैं कितना नूब था यार, कितना नूब था। मैं छत से कूद के मर गया अपने घर की। What the hell? तो मैं सच बोलूं तो मैंने यहाँ पे लैडर्स लगा दिए, बेड वेड बना दिए, यहाँ पे हर जगह टॉर्चेस लगा दिए जो कि आई थिंक गाइस रोनी से तो बेटर है, मित्तू पिट्टू के बराबर है, इन लोग के बराबर है। तो गाइस मैं अपने आप को गाइस आई थिंक ठीक ठाक पे रख सकता हूँ। आप लोग मेरे घर को कैसा रेट करोगे इस टियर लिस्ट पे बता देना कमेंट करके। तो गाइस मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको अपना कैसल दिखाऊंगा और अपना क्रीपर का स्टैचू दिखाऊंगा एंड इसके अंदर जो सीक्रेट बेस है वो दिखाऊंगा। बट उसके पहले गाइस ये रहा हमारा घर जो हम लोगों ने अपनी फर्स्ट नाइट में बनाया था और इसके अंदर अभी भी आई एम वेरी श्योर। अरे तू कहां अंदर आ रही है, सारी की सारी चीजें पड़ी होगी जो हम लोगों ने फर्स्ट नाइट में कलेक्ट करी थी। तू अंदर रही हो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। गाइस ये वो सीढ़ी है जहां से मैं नीचे करके मर गया था। अरे यार क्या कर रहा है क्या कर रहा है, दोबारा तो नहीं मरूंगा मैं ऑब्वियसली। मैंने क्या किया था ना, मैं यहां से गया था एंड फिर मैं यहाँ से गया एंड मैं यहाँ से नीचे उतरा एंड वो रहा हमारा क्रीपर का स्टैचू। एंड गाइस फिर मैंने यहाँ पे जाके अपना पूरा का पूरा, अभी किंगडम तो इसको नहीं बोल सकते बट ये कैसल बनाया। अंदर से अभी पूरा का पूरा खाली है, मैं आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ। बाहर से काफी मस्त लगता है, अंदर से एकदम ऐसा पड़ा हुआ है। मुझे अभी इसके अंदर थ्रोन रूम बनाना है। इस तरफ से मैंने थोड़ी सी यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह भी करी थी। तो अगर मैं यहाँ से आऊँ तो गाइस ये काफी ज्यादा मस्त लगता है। एंड ऊपर यहाँ पे इसके गाइस ये एक स्काई हाउस है, ये एलिवेटर, ये एक्सपी फार्म है एंड ये लावा कलेक्टर है। एंड गाइस यहाँ पे ये सारे के सारे गाइस हमारे एयरक्राफ्ट फूड फार्म है। ये एक फाइटर जेट है, ये एक ड्रोन था एंड गाइस ये हॉट एयर बलून फार्म था एंड ये गाइस एक हेलीकॉप्टर पोटैटो फार्म था एंड गाइस ये हमारा सुंदर सा आयरन फार्म है। एंड यहाँ पे गाइस मैंने ये गार्ड बनाया था जो कि काफी अच्छी तरीके से गाइस हमारे पूरे विलेज की रक्षा करता है, मतलब कुछ नहीं करता है बस वो ऐसे खड़ा रहता है। लेकिन गाइस ये देखने में काफी सुंदर लग रहा था, देखो मस्त लग रहा है ना। एंड गाइस अब मैं आपको फाइनली अपना ये स्टैचू दिखाने वाला हूँ। इसके नीचे एक सीक्रेट बेस है, अगर कोई आएगा तो देखेगा अरे क्रीपर का स्टैचू काफी मस्त लग रहा है यार, लेकिन उसको पता नहीं होगा कि इसके अंदर क्या है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे ना गाइस हमको क्या करना है कि हमें यहाँ से ये गेट खोलना है एंड यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे। एंड गाइस जो क्रीपर के लेग्स है उनके अंदर कुछ कुछ है। तो ये वाली जो सीढ़ी है इसके अंदर गाइस हम लोगों ने ये अपना बेडरूम बना के रखा हुआ है। ये मेरा बेड है पर्पल कलर का एंड गाइस जो हमारी कैट है ये उसका बेड है और उसको गाइस काफी ज्यादा फिश पसंद है, उसके
लिए मैंने यहाँ पे फिश लगाई हुई थी। एंड यहाँ से गाइस ये क्रीपर का लैग है, ठीक है। अब दूसरा वाला जो लैग है हम लोग उसके अंदर यहाँ से जाएंगे। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा वर्किंग एरिया बना के रखा हुआ है। एंड ये डेकोरेशन वाला एरिया है, मतलब शोकेस है, तो यहाँ पे मैंने ग्लासेस लगा दिए थे। और ये भी क्रीपर का दूसरा वाला लैग है, तो यहाँ से जल्दी से बाहर जाओ ऐसे ऐसे करके एंड फिर इसको बंद करो। एंड देखो यहाँ से दूर जाओ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कुछ है इसके अंदर। तो गाइज ये रहा हमारा पूरा का पूरा माइनक्राफ्ट किंगडम, और ये रही गाइज सबके फर्स्ट माइनक्राफ्ट हाउस की रेटिंग। आप किसको कितना रेट करोगे कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डिस्कॉर्ड का सर्वर जाके ज्वाइन कर लेना। बाय बाय।